मॉर्निंग फ्रेंड्स, खुशबू अर्ना ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप के अच्छे होंगे सब। अनन्या लोग सब कोई, बच्चा लोग सब कोई खेल रहा है देखिए। और आज के नाश्ते में मिक्स वेज है, रोटी है और तिलकुट है। अर्नब तिलकुट ले जा रहा है, बार बार खा रहा है, उसको पसंद पड़ रहा है। तो मैं नाश्ता करने के बाद आपसे मिलती हूँ। अब सुबह से शाम हो गया और कुछ ब्लॉग शूट नहीं किए। और शाम को आज 31 है तो शाम को तैयारी चल रहा है, लिट्टी बनेगा, लिट्टी और चोखा। हम बिहारियों का फेवरेट डिश और फेमस डिश। अर्नब यहाँ पर हेल्प कर रहा है कूटते में, उधर सत्तू तैयारी हो रहा है, मम्मी जी तैयार कर रही है और घर में खटकुट शुरू हो गया। त्यौहार जैसा माहौल है घर में, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आज पूरी फैमिली हम लोग मिलकर लिट्टी बनाएंगे और चोखा बनाएंगे बैगन का। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। अब ये सत्तू तैयार हो गया और इधर आटा भी तैयार हो गया और ये अब गढ़ाने लगा। और बैगन का चोखा के लिए बैगन भी आ गया, बैगन को पकाएंगे इसको हम लोग। इधर अब गाजर का हलवा का तैयारी हो रहा है। नया साल है तो कुछ मीठा तो चाहिए, तो ठंड का मौसम, ठंड का स्पेशल फूड गाजर का हलवा तैयार होने लगा मम्मी जी का हाथ का। और जब ये तैयार होगा, बीच बीच में मैं दिखाती रहूँगी, फुल रेसिपी नहीं, बस थोड़ा थोड़ा दिखाऊँगी। इधर गाजर का हलवा लगभग लगभग तैयार है, अभी थोड़ा बड़ा पानी है छोड़ा हुआ, अभी और होगा। और इधर बैगन हो गया, बैगन का चोखा बनाने के लिए। और बैगन का चोखा के लिए सारा तैयारी हो गया, आलू प्याज व्याज सब चीज़। बैगन का चोखा बनेगा और गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी लग रहा है। आ जाइए यूट्यूब फैमिली खाने के लिए। गाजर का हलवा तैयार हो गया और इसमें गया घी। बिना घी का गाजर का हलवा में स्वाद नहीं लगता है, मस्त दिख रहा है, बहुत ही यम्मी लग रहा है। और इधर लिट्टी बनाने लगे हम, और ये घी डला गया, भर भर के घी चाहिए इसमें, दूध घी ये सब बहुत अच्छा से भरता है, डलाता है तभी अच्छा से स्वाद आता है। और लगभग लगभग बनकर तैयार हो चुका है गाजर का हलवा। तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। अब लिट्टी बनने लगा लिट्टी मेकर में और चोखा भी तैयार हो गया और इधर इतना लिट्टी निकल भी गया जिसको हम घी में डाल डाल के निकाल रहे हैं। और इधर गाजर का हलवा लगभग लगभग तैयार हो गया, बहुत ही यमी लग रहा है। अभी 12 बजने में 2 घंटा टाइम है, तब तक हम लोग बनाएंगे, खाएंगे, कुछ ना कुछ धमाल करते रहेंगे क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है। आप सभी को पहले से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। 12 बजे तो विश करने ही वाली हूँ मैं, लेकिन पहले से भी हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और आई विश कि आपका ये साल बहुत ही अच्छा जाए आने वाला साल। तो मैं बना लूँगी, तब मैं आपसे मिलूँगी, जब प्लेट निकालूँगी तब। चोखा बन के तैयार हो गया, एक आलू वाला और एक विदाउट आलू वाला बैगन का चोखा। और लिट्टी भी बन के लगभग लगभग तैयार हो गया, गाजर का हलवा भी सब तैयार हो गया। सब खाने लगे, रात का 10:30 हो रहा है। ये निकल गया हम लोग खाना, यहाँ पे चोखा, लिट्टी और गाजर का हलवा। आप लोग भी आइए खाने के लिए, तो मैं आपको मिलती हूँ खाने के बाद। हाय फ्रेंड्स, अब रात हो गया है और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बिजी है, मतलब सबके मोबाइल में फ़ोन आ रहा है, मेरे मोबाइल में भी फ़ोन आ रहा है। तो आप सभी को बहुत बहुत नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका। आई विश कि आपका ये साल बहुत ही अच्छा जाए। तो मैं आपको मिलूंगी फिर कल नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और फिर से अगेन हैप्पी न्यू ईयर।